नमस्कार। कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, और नमक के सेवन के बारे में तो यह बात एकदम सही बैठती है। आयुर्वेद में सेंधा नमक खाने के बारे में निर्देश किया गया है, लेकिन आधुनिक समय में हम लोग अधिकतर समुद्री नमक का सेवन करने लगे हैं, जो कि सफ़ेद जहर के अलावा और कुछ भी नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो आज के समय में हमारी रसोई के अंदर तीन सफ़ेद जहर मौजूद होते हैं। सबसे पहले समुद्री नमक होता है, दूसरे नंबर पर मैदा को रखा जाता है, और तीसरे नंबर पर चीनी को रखा जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे समुद्री नमक के बारे में, जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, और इसका सेवन हम अपने खाने पीने में आज ज़्यादातर समय करने लगे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से ये हमारे लिए नुकसानकारी होता है। दोस्तों, हमें एक दिन में लगभग 1.5 ग्राम सोडियम की ज़रूरत होती है, और इस ज़रूरी सोडियम का अधिकांश भाग हमें उन फल और सब्जियों से प्राप्त हो जाता है जो हम अपना रोज़मर्रा के खाने पीने में सेवन करते हैं। थोड़ी बहुत अगर कमी रह भी जाती है तो उसको पूर्ति करने के लिए हर एक इंसान को एक दिन में केवल 1 ग्राम नमक प्रयोग करना सफिशियंट रहता है। लेकिन क्या होता है कि हम आमतौर पर लगभग एक दिन में 7 ग्राम 8 ग्राम तक नमक हम एक प्रति व्यक्ति के हिसाब से सेवन कर लेते हैं। तो अब बात आती है कि हमें नमक का सेवन कम क्यों करना चाहिए। जहाँ तक बात करें नमक का सेवन करने वालों की, तो वो केवल इसलिए करते हैं कि शरीर में बची खुची सोडियम की पूर्ति हो जाए, या कुछ लोग स्वाद के नाम पर जो है बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं। लेकिन इसके नुकसान वो तो बहुत सारे होते हैं। क्या क्या नुकसान होते हैं अब आप ये जानना चाहेंगे, तो चलिए अब हम इसी बारे में आपसे बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें ज़्यादा सोडियम होने से हमारे शरीर पर जो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वह है कि हमारे गुर्दों की कार्यक्षमता में कमी आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि शरीर में पानी का स्तर बनाए रखने के लिए थोड़ी बहुत मात्रा में सोडियम ज़रूरी होता है, लेकिन जब ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं और शरीर में सोडियम ज़्यादा होने लगता है, तो खून में सोडियम की सांद्रता ना बढ़ने पाए इसके लिए किडनी जो है ज़्यादा पानी को शरीर में ही रोकने लगती है, और इस दशा में किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, और ज़्यादा काम करते रहने की वजह से और बहुत ज़्यादा सोडियम शरीर में मौजूद होने की वजह से कई बार किडनी खराब होने लगती हैं। शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक यौगिक होता है, जिसका प्रमुख काम नसों को फैलाना है, जिससे कि रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता रहे। जब हम ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं और शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, उस दशा में जो नाइट्रिक ऑक्साइड ये यौगिक है, इसके सिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वो मंदी पड़ जाती है, और शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है, जिस कारण से नसें फैल नहीं पाती हैं और रक्त को प्रवाह करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव की ज़रूरत होती है, जिसके कारण हृदय ज़्यादा जोर लगाकर काम करता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ज़्यादा नमक खाने का ये भी एक नुकसान है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारे शरीर का सबसे मजबूत जो हिस्सा होती हैं वो होती हैं हमारी हड्डियाँ, लेकिन ये हड्डियाँ भी नमक की मार से बच नहीं पाती हैं। नमक का जो रासायनिक संगठन है सोडियम क्लोराइड, वो हड्डियों में मौजूद कैल्शियम के साथ में बहुत जल्दी रासायनिक प्रतिक्रिया करता है और हड्डियों में से कैल्शियम को विघटित करने लगता है, अर्थात हड्डियों में से कैल्शियम ख़त्म होने लगता है। इस दशा में जो है ओस्टोपोरोसिस नाम का जो रोग है, जिसको अस्थियों का खोखलापन, हड्डियों का खोखलापन होना कहते हैं, यह रोग होने लगता है। इस रोग से परेशान लोगों में हड्डियां कमज़ोर होकर के जल्दी टूट जाती हैं। आमतौर पर देखा भी जाता है कि जो लोग नमक का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको हड्डियों का फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के नज़रिए से भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप नमक का सेवन कम से कम करें। इसके बाद जो अगली समस्या नमक का ज़्यादा सेवन करने से पैदा होती है, वह है शरीर में सूजन आने की समस्या। जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि जब हम नमक का ज़्यादा सेवन करते हैं, सोडियम की सांद्रता शरीर में बढ़ती है, और उस सांद्रता को डाइल्यूट करने के लिए गुर्दे शरीर में पानी रोकना शुरू कर देते हैं। यह शरीर में रुका हुआ ज़्यादा पानी सूजन पैदा करता है,
कहीं पर भी ये सूजन हो सकती है, लेकिन आमतौर पर आँखों पर, उंगलियों पर, पैरों में, एडी के मोड़ पर, यहाँ पर जो है ज़्यादा सूजन की समस्या पैदा होती है। इसके अलावा दूसरा एक नुकसान यह भी है कि सोडियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इस दशा में भी शरीर में सूजन की समस्या बढ़ने लगती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा नमक का सेवन करने के कारण शरीर में पैदा होने लगते हैं, जैसे मोटापा आने लगता है, अस्थमा का अटैक बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसके अलावा बाल भी कमज़ोर होकर के झड़ना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो इन सब रोगों से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सावधान रहा जाए और इनका जो प्रमुख कारण है नमक का ज़्यादा सेवन करना, उस नमक के ज़्यादा सेवन को कम किया जाए। सबसे बेहतर उपाय यह है कि दोबारा हम प्रकृति की तरफ लौटें और इस समुद्री नमक की जगह हम अपने रोज़मर्रा के खाने पीने में केवल और केवल सेंधा नमक का प्रयोग करना शुरू कर दें, जो हानि रहित होता है और शरीर को कोई भी नुकसान इससे नहीं कर होता है। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में आप और कोई जानकारी चाहते हैं, कुछ सवाल आपके मन में हो, तो आप नीचे कमेंट में हमें लिख सकते हैं, हम जल्दी ही आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आप हमें फीडबैक दीजिए और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो घंटे का बटन लगा है उसको भी आप दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सकें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।